आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन सबसे बड़े इंडिया के एफएमसीजी स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया। तो हम देखेंगे क्या न्यूज चल रही है जिसकी वजह से एफएमसीजी स्टॉक्स में इतनी रैली आई है, और चार्ट के माध्यम से स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमसे भी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एफएमसीजी इंडेक्स को, पहले इसने अक्टूबर 21 में 42,000 के पास का हाई बनाया था, फिर 33,000 तक चला गया था, उसके बाद से अब रैली काफी अच्छी दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखिए इसने इस लेवल के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट दिया है, 39,000 के ऊपर और 40,742 के पास ट्रेड कर रहा है, तो काफी अच्छे इसने कुछ दिनों में पिछले राइज दिखाई ही है। अब दोस्तों आज भागे क्यों है सारे स्टॉक्स, एचयूएल, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, क्योंकि क्रूड पाम ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई है, तो इससे यह है कि आगे आने वाली चीजों में इनके ऊपर मार्जिन प्रेशर कम होगा, ये चीज काफी अच्छी है। तो क्रूड पाम ऑयल के जो फ्यूचर्स है वो 35% तक गिरे हैं, और इसी वजह से एफएमसीजी स्टॉक्स भागे है, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल्स की जो प्राइसेस है वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है, हाई इन्वेंट्री इन द इंडोनेशियन मार्केट, एलआई एंड की कंज्यूमर्स लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान डिलेइंग इंपोर्ट्स, तो ये सारी चीजें चल रही है, तो इसी की वजह से ये सारे स्टॉक्स आपके भाग रहे हैं, क्योंकि हर जगह यही है कि ग्लोबल क्रूड पाम ऑयल की प्राइसेस डिक्रीज हो रही है। अगर मैं ब्रिटानिया की बात करूं दोस्तों, तो एक इन्होंने कहा था 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल था, जिसको कि इनके शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये थी दोस्तों ब्रिटानिया की न्यूज। आइए अब एक बार हम चार्ट पे देख लेते हैं ब्रिटानिया को। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 4200 का हाई बनाने के बाद स्टॉक 3100 पे आ गया था, और अब इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है 3800 के ऊपर, तो आप छोटा सा एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, यहाँ का 3640 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 4200 के टारगेट्स को एम करके चलिए, ये स्ट्रेटेजी आप रख सकते हैं ब्रिटानिया में। टाटा कंज्यूमर की मैं बात करूं दोस्तों, तो ब्रोकरेजेस बहुत बुलिश है, शेर खान ने 960 का टारगेट दिया है, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 925 का टारगेट दिया है, तो काफी ज्यादा बुलिश है, और कंपनी भी बहुत बड़ी है, इनके बहुत सारे एक्विशन ये लोग करते रहेंगे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे इनका फोकस और रहेगा, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। और ये लोग क्या कह रहे हैं उसको देख लेते हैं, एक्विशन अपॉर्चुनिटीज और इनको मिलेगी, तो इनके चेयरमैन कह रहे हैं ये और करेंगे, तो ये सारी चीजें हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सप्लाई नेटवर्क में और फोकस कर रहे हो, टी और सॉल कैटेगरीज में इनका कहना है कि इनके शेयर जो है वो और बढ़ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि टाटा कॉफी अब टाटा कंज्यूमर के संग इनका मर्जर हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, टाटा स्टारबक्स 15 न्यू स्टोर्स खोले हैं, सॉल्ट और कॉफी इन सब में ये अपना रेगुलर शेयर्स बढ़ा रहे हैं, तो फ्यूचर काफी इनके ब्राइट लग रहा है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि स्टॉक्स को काफी अट्रैक्टिव बना रही है। और दोस्तों मैं देख लेता हूँ क्या हुआ, तो इन्होंने डिविडेंड लागी लास्ट वीक अप्रूव किया है, एक बार देख लेते हैं कि इस वाली वेबसाइट में डिविडेंड की डिटेल है, 6 रुपए का डिविडेंड दिया है, जो कि 0.7-0.8% के आसपास रहेगा, तो ठीक ठाक डिविडेंड है, बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत बुरा भी नहीं है। चार्ट में मैं देखूं दोस्तों, तो स्टॉक का 750 के पास एक रेजिस्टेंस है, तो ये आज उसके पास पहुंचा है, अभी ब्रेकआउट दिया नहीं है, तो आप एक छोटा सा 720 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन बना सकते हैं। 780 हमारा पहला टारगेट होगा, फिर 840 और फिर 880, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में समय इस स्टॉक में अच्छा दिख रहा है मुझे। साथ ही दोस्तों कुछ दिनों पहले थोड़ा सा एक आर्टिकल निकल रहा था कि हमें मारिको टावर को बेच देना चाहिए और उसकी जगह एचयूएल खरीद लेना चाहिए, क्योंकि चार्ट पे दोस्तों HUL काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था मारिको और डाबर के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना क्लियर हमें पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए इसने ये जो लेवल था ये था आपका 2430, इसके ऊपर आज बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे दिया है, तो आप दोस्तों इसमें 2400 के स्टॉप लॉस के संग पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, और हमारे जो टारगेट रहेंगे दोस्तों वो 2700 एंड 3000, तो ये टारगेट्स आप एम कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा मिनिमम 1:2 के इजीली निकल के आ रहा है। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया स्पेशली टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, धन्यवाद दोस्तों।